Hello, what's up guys? My name is Vinod Badu Thapa and today in this video we will see how to build your programming logics. जी हाँ गाइस, आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, खासकर उनके लिए जिनको ये है कि मुझे तो बेसिक्स आता है, चाहे वो जावास्क्रिप्ट हो, चाहे वो पाइथन हो, जावा हो, C++, कुछ भी हो, लेकिन जब बात आती है प्रोजेक्ट्स को बिल्ड करना बिल्कुल फ्रॉम स्क्रैच तो नहीं कर पाते। उनको लाइक आइडिया ही नहीं है कि मैं स्टेप फर्स्ट स्टेप जो होता है ना कि मैं प्रोजेक्ट को शुरू कैसे करूँ, पहला स्टेप क्या है, वही लोग वहीं पर ही अटक जाते हैं। तो उन लोगों के लिए तो गाइस आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, एंड साथ ही साथ उन लोगों के लिए भी गाइस जो प्रोग्रामिंग के फील्ड में आना चाहते हैं एंड अपना करियर बनाना चाहते हैं। तो गाइस इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा, आपको बहुत कुछ सीखने मिलने वाला है। एंड इस प्रोसेस को मैंने 5 स्टेप्स में डिवाइड की है, मैंने टाइम लैप्स बेसिकली चैप्टर्स भी एड कर दिए, तो आप कभी भी किसी को भी चेकआउट कर सकते हो। सो गाइस बिना किसी देरी के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला स्टेप है गाइस आपका लर्न द बेसिक्स फर्स्ट, सिंपल राइट। अगर आपको गाइस साइकिल चलाना है, सिंपल, अगर आपको साइकिल चलाने सीखना है क्या होगा सबसे पहले स्टेप, भाई एक साइकिल खरीदो, साइकिल पे बैठो एंड प्रैक्टिस शुरू कर दो, सिंपल राइट। तो उसी तरीके से अगर आपको एक प्रोग्रामिंग सीखना है, ठीक है, प्रोग्रामिंग में अपना करियर डेवलप करना है, बनाना है, तो जिस भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को आप सेलेक्ट करते हो, फॉर एग्जाम्पल आज इस वीडियो में हम जावास्क्रिप्ट को पकड़ के चलते हैं क्योंकि मैं एक वेब डेवलपर हूं तो मुझे जावास्क्रिप्ट का ज्यादा नॉलेज है। सो नाउ इफ यू वॉन्ट कि जावास्क्रिप्ट आपका मेन लैंग्वेज होगा एंड इसको लेके मुझे आगे बढ़ना है, तो सबसे पहला स्टेप यही है ना कि भाई जावास्क्रिप्ट का जो बेसिक्स है उसको आप सीखिए, सिंपल राइट। लाइक जावास्क्रिप्ट में ये डेटा टाइप्स क्या है, ये आपके कंडीशंस, लूप्स, फंक्शंस, एरेस, ऑब्जेक्ट, एग्मास्क्रिप्ट, इधर उधर बेसिक जो है उतना तो आपको सीखना पड़ेगा, सबसे पहला स्टेप्स, नो डाउट। ये आपको भी मालूम था, मुझे भी मालूम है, एंड 90% जो मैं आज 5 चीजें बताऊंगा आपको ऑलरेडी मालूम है, लेकिन फिर भी आप उसको इंप्लीमेंट नहीं कर रहे हो इसलिए आपका लॉजिक बिल्ड नहीं हो रहा है। बट गाइस आज फाइनली मैं बोल रहा हूँ तो आपको ये इम्प्लीमेंट करना ही पड़ेगा, ठीक है। एंड हाँ, जब आप अपना बेसिक सीख रहे होंगे ना, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है जो बहुत सारे लोग मिस करते वो है नोट्स बनाना। आप बिलीव नहीं करोगे गाइस, अभी भी मैं एवरीडे नोट्स बनाता हूँ, आप देख रहे हो गाइस इतना मोटा जो है, एवरीडे मैं गाइस नोट्स बनाता हूँ मैं, क्योंकि नोट्स में ना क्या होता है मैं आपको बताता हूँ, नोट्स का एग्जैक्ट मतलब क्या होता है। नोट्स का मतलब ये नहीं होता है कि वॉट इज एन एरे, वॉट इज एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में या जो भी हो, बेसिकली आप क्या करोगे, आप उसका डेफिनेशन चैट जीपीटी, गूगल या जो ऑनलाइन वेबसाइट में जाके वॉट इज एन एरे, उसके अंदर मैप, रिड्यूस, फिल्टर मेथड क्या करता है, अब उसका डेफिनेशन उठाओगे, सिंटेक्स उठाओगे, कॉपी पेस्ट खत्म। अरे भाई ये कहाँ का नोट्स हुआ, ये तो कॉपी पेस्ट हुआ ना। नोट्स मतलब क्या, नोट्स का सिंपल मतलब ये, जब भी आप कुछ पढ़ रहे हो तो आपने उसको किस तरीके से अपने अंदर लाइक घुसाया, या जो भी आपने सोचा उसको कैसे आपको, आई मीन क्या आपके माइंड में आया जिससे आपको ये फीलिंग आई, अच्छा ये ऐसा था अब मुझे समझ गया, तो वो जो चीज आपके माइंड में आया होगा ना उसको आपको यहाँ पे लिखना है। एंड जब आप लिखने जाओगे मेक श्योर करना कि उस लैंग्वेज में आप लिखो जिसमें आप कंफर्टेबल हो, उस लैंग्वेज में आप लिखना जिसमें आपको ये फीलिंग आए कि मैं एक साल बाद भी अगर इसको मैं पढ़ू ना मुझे पता चल जाएगा कि उस समय मेरे मन में क्या फीलिंग चल रही थी जो मैंने ये लिखी, समझ रहे हो। शो ऑफ नहीं करना है, ये किसी को आपको दिखाना नहीं, ये देख यार मैंने नोट्स बनाई इंग्लिश में लिखा है मैंने, और आपको खुद समझ में नहीं आ रहा इंग्लिश में मैंने लिख तो दी लेकिन मैंने क्यों लिखी, समझ रहे हो। लाइक अगर अब मैं जैसे मैं नेपाली हूँ तो मैं ये नहीं बोल रहा मैं नेपाली में लिखता हूँ, कहीं ना कहीं मेरा ये जो 40% केस में मैं अभी भी गाइस इंग्लिश में यूज करता हूँ, 60% तो चलो इंग्लिश हो गया, लेकिन जो 40% होता है ना जब मुझे एकदम डीप में जाना होता है कुछ चीज, मुझे लगता है ये बहुत हार्ड है, तो मैं वहां पे इंग्लिश नहीं लिखता, मैं इंग्लिश लिखता हूँ, मैं हिंदी और इंग्लिश का मिक्स करके जो मुझे समझा और मुझे लगता है कि अगर ये डिट्टो लाइन में अगर आपको बोलूंगा तो आपको समझेगा तो मैं उस तरीके से लिखता हूँ। तो आपको नोट्स बनाने हैं आपके माइंड में क्या चल रहा था जिससे आपको समझ में आ गया वो चीज, तो वो फीलिंग जो है आपको वहां पे उतारना है ताकि आप 1 महीने 2 महीने बाद भी उसको पढ़ो तो आपको पता चल जाए क्या हो रहा है, ठीक है। तो नोट्स बनाना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नाउ सेकेंड स्टेप इज कीप प्रैक्टिसिंग। अब ये सेकेंड स्टेप बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वंस आपने बेसिक्स क्लियर कर लिए, आपको समझ में आ गया, देन सेकेंड स्टेप ये होगा सबसे पहले ऑनलाइन में आप चेक कीजिए जो जो टॉपिक्स आपने कवर किए उससे रिलेटेड इंटरव्यू क्वेश्चंस कौन कौन से आते हैं या पूछे जाते हैं कंपनी में, एंड द सेकेंड वन इज उस टॉपिक्स के रिलेटेड प्रोग्रामिंग चैलेंजेस कौन कौन से है जो दुनिया जिसके बारे में बात कर रही है, या आपको लीड कोड या है करेंगे या ऑनलाइन साइट्स बहुत सारे आपको मिल जाएंगे जहां पे आप गाइस वो प्रोग्रामिंग चैलेंजेस को फाइंड आउट कर सकते हो, तो उसको आपको प्रैक्टिस करनी है। जी हाँ गाइस, सेकंड स्टेप बहुत ही ज्यादा जरूरी है, बेसिकली जो भी मैं आज 5 स्टेप्स बोलूंगा ना एक भी आप मिस मत कीजिए, फिर वो मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। तो सेकंड स्टेप यही है, इंटरव्यू क्वेश्चंस कौन कौन से पूछे जाएंगे जिसको आपने लाइक ऑलरेडी पढ़ चुके उसके रिलेटेड, एंड प्रोग्रामिंग चैलेंजेस उसके रिलेटेड,
तो इंटरव्यू क्वेश्चंस तो आपको तैयारी करनी है विद सम डेफिनेशंस, ताकि कोई आपसे कुछ डेफिनेशन पूछे आप एटलीस्ट बता सको, जो कि इतना मैटर नहीं करता, मुझे तो नहीं लगता इतना मैटर है। बट जो सेकंड वाला है ना, प्रोग्रामिंग चैलेंजेस को टैकल करना, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेक श्योर एटलीस्ट आप एक तरीके से तो उसको सॉल्व कर सको। एंड हाँ, यहाँ पे अगर आपका सॉल्व नहीं होता है प्रोग्रामिंग चैलेंजेस से, तो फिर से वापस जो बेसिक आपने किया था ना, पढ़ा था ना उससे रिलेटेड, तो एक बार उसको फिर से चेक कर लीजिएगा। अगर फिल्टर करना हो एरे में एंड आप नहीं कर पा रहे, तो अब बस आपको क्या करना है, पूरा बेसिक वापस पढ़ना नहीं है, आपको ये देखना है कि एरे अगर मेरे पास है तो एरे में फिल्टर करने के लिए कौन कौन से मेथड्स अवेलेबल है, बस उनको एक बार रिवाइज कर लीजिए और देखिए। अच्छा, ज्यादा से ज्यादा 40 तो मेथड है, अब इनमें से एक से तो होगा ही होगा। तो इस तरीके से गाइस आपको प्रैक्टिस करनी है। एंड मेक श्योर जब आप थोड़े कंफर्टेबल हो जाओ, जब आपको लगे प्रोग्रामिंग चैलेंजेस आप उसको लाइक क्लियर कर पा रहे हो, खुद से सॉल्व कर पा रहे हो, देन सेकंड स्टेप में ही एक और इंपॉर्टेंट चीज, लाइक इन फर्स्ट वी हैव अ नोट्स, तो उसी तरीके से इसमें सेकंड इंपॉर्टेंट चीज ये है सेकंड स्टेप के अंदर, दैट इज टू क्लियर और टू सॉल्व द सेम प्रॉब्लम विद डिफरेंट अप्रोचेस या डिफरेंट तरीके से, समझ रहे हो? मतलब एक तरीके से तो आपने कर लिया, लेकिन उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के और भी तो तरीके होंगे, और भी एकदम हो सकते वन लाइनर्स वाले भी हो जाए। तो समझ रहे हो, सेकंड स्टेप में ये एक इंपॉर्टेंट है कि सिर्फ आपको इंटरव्यू एंड प्रोग्रामिंग चैलेंजेस ही क्लियर नहीं करने हैं, प्रोग्रामिंग वाला जो आपने क्लियर कर लिया, सॉल्व कर लिया, उसको और दूसरे तरीके से, तीसरे तरीके से, मतलब इस तरीके से अगर आप प्रैक्टिस करोगे ना, तो आपको आइडिया आ जाएगा, अच्छा यार इसको तो मैं ऐसे कर सकता हूँ। एंड वो जो छोटी छोटी चीजें को अगर आप क्लियर करना स्टार्ट कर दोगे ना, सॉल्व करना स्टार्ट कर दोगे, आप ऑटोमेटिक देखना आप में कॉन्फिडेंस आएगा। क्योंकि मैं आपको बताता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने ऑलरेडी ये अभी जावास्क्रिप्ट थर्ड पार्ट जो था मेरा फाइनल मेगा प्रोजेक्ट ई कॉमर्स का, उसमें हमने फिल्टर देखा, उसमें हमने देखा कि हम कैसे प्रोडक्ट को रिमूव कर सकते हैं, है ना, राइट? कहीं ना कहीं आपके मन में आया होगा ना ई कॉमर्स में ये कैसे होता होगा, बट वही सेम चीज जब मैं आपको बेसिक्स पढ़ा रहा था एरे का, तभी मैंने दिखा एक एरे, आपको बस ये समझना एक एरे है, उस एरे में अगर कुछ चीज मुझे डिलीट करना तो मैं क्या कर सकता हूँ, खत्म। ई कॉमर्स में फिल्टर मेथड वही है, रिमूव करने वाला बटन का काम वही हो रहा है। तो इस तरीके से आपको लॉजिक आप धीरे धीरे वहां से बिल्ड कर पाओगे, अरे ये तो मैं कर चुका था, अच्छा यहाँ पे ऐसे काम आता है इसका, समझ लो। देन द थर्ड वन जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अब यू नीड टू स्टार्ट मेकिंग प्रोजेक्ट्स सिंपल। ये एक ऐसा फेज है जहां पे अब आपको थोड़ा सा डर लगेगा, आपको नहीं समझेगा यार मेरे को बेसिक्स भी आ गई, बेसिकली आ गया, देन मैंने बहुत सारे इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड जो प्रोग्रामिंग चैलेंजेस थे उसको भी कवर कर लिए, लेकिन मैं प्रोजेक्ट कैसे बनाऊं? क्योंकि अभी तक आप जो भी कर रहे थे वो वन लाइनर क्वेश्चंस था, एरे में से किसी को कैसे रिमूव करना है, दो ऑब्जेक्ट सेम है कि नहीं कैसे चेक करना है, या एरिया ऑफ सर्कल फाइंड आउट करो, फंक्शन लिखो उसके ऊपर, ये जो बेसिकली आप बेसिकली कहीं ना कहीं इंटरव्यू क्वेश्चन जैसा ही था, हो गया ना वो। लेकिन जब आप प्रोजेक्ट्स की बात आती है तो प्रोजेक्ट्स में तो ऐसा कोई आपको बोलेगा नहीं कि एरे में से डिलीट कर, बोलेगा ई कॉमर्स वेबसाइट बना, या किसी वेबसाइट का क्लोन बनाओ, या टू डू लिस्ट एप्लीकेशन बनाओ। तो उस जगह पे क्या होगा, आपको तब एक्चुअल में जो अभी तक सीखा उसका रियल यूज केस यहाँ काम आएगा, ठीक है? अब जैसे ई कॉमर्स वेबसाइट एंड देन टू डू लिस्ट, ऑलरेडी उनके ऊपर मैं वीडियो अपलोड कर चुका हूँ गाइस, प्लीज एक बार देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। इवन मेरा जो ई कॉमर्स वेबसाइट है उसमें तो मैंने बोला भी है कि लॉजिक जिनकी बिल्ड नहीं हो पा रही इस वीडियो को देखो, बिल्ड हो जाएगी। क्योंकि ई कॉमर्स वेबसाइट को स्टार्ट टू एंड किस तरीके से हम कंप्लीट कर सकते हैं बिल्कुल फ्रॉम स्क्रैच, मैंने वहां पे बताया। तो जब भी आप कोई प्रोजेक्ट्स को लाइक यू नो स्टार्ट करने जाते हो या क्रिएट करने जाते हो, उसको आप एक माउंटेन की तरह समझिए, है ना। एंड जब भी आप किसी पहाड़ों में हाइकिंग करने जाते हो, आप क्या करते हो, आप एक ही बार में टॉप को देख के अरे नहीं मैं तो नहीं हो पाएगा, ऐसा करते हो ना, ऐसा होता है नहीं होता ना, आप क्या करते हो, वन स्टेप एट अ टाइम, ठीक है? सीढ़ी बनी होगी, मे बी लाइक स्टेयर्स होंगे या तो कुछ भी होगा, आप वन स्टेप एट अ टाइम धीरे धीरे ऊपर ऊपर चढ़ते जाते हो। आप जहां आप थक जाते हो आप थोड़ा वेट करते हो, थोड़ा पानी पीते हो, राइट? तो प्रोजेक्ट भी वही है, प्रोजेक्ट भी एक ही बार में ई कॉमर्स वेबसाइट, इसमें ये कैसे होगा, ऐप टू कार्ट कैसे होगा, इसमें मैं ये पेमेंट गेटवे कैसे करूं, भाई अरे भाई शुरू तो करो, बाद में सोचना वो कैसे होगा, लेकिन एटलीस्ट शुरू तो करो कि क्या स्टेप्स हो सकता है, लाइक थ्योरी में लिख तो लो, समझ लो स्टेप बाय स्टेप आप समझो। एंड इस जगह पे गाइस आपकी बहुत हेल्प हो जाएगी, कैसे फर्स्ट स्टेप लेना है, सेकंड स्टेप कैसे लेना है, थर्ड स्टेप कैसे लेना है, एंड सबको बस आपको टुकड़ों में डिवाइड करना है। ई कॉमर्स को एक आप में कीजिए, सबसे पहले लेट से एपीआई का डेटा कैसे मैं कार्ड्स में दिखाऊं, पहला स्टेप आप इतना कर लीजिए, कार्ड्स में दिखा दिए, उसके बाद वो जो टॉगल बटन आता है प्लस माइनस पे क्लिक करो तो वो क्वांटिटी कैसे इंक्रीमेंट हो, ठीक है?
उसके बाद जब मैं ऐड टू कार्ट बटन पे क्लिक करूँ तो वो वैल्यू मेरे लोकल स्टोरेज पे या जहाँ पे भी उसको स्टोर होना चाहिए वहाँ पे कैसे स्टोर हो जाए, उसके ऊपर जो कार्ट की वैल्यू होती है उसको मैं कैसे इंक्रीमेंट कर सकता हूँ। तो स्टेप बाय स्टेप आपको जाना है। एंड जब आप खुद से कोई एक प्रोजेक्ट बिल्ड कर लोगे ना, लिख के देता हूँ कि 60% या 80% आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस आएगा, हाँ यार चलो फाइनली मैं अब प्रिपेयर हो गया हूँ, अब कोई मुझे रोक नहीं सकता, वो फीलिंग आपको जरूर आएगी। एंड वंस अगेन आई हाईली रिकमेंड आप एक बार जो मेरा ई कॉमर्स वेबसाइट उसको जरूर चेकआउट कीजिएगा, आपको मतलब मजा आ जाएगा क्योंकि बिल्कुल स्क्रैच से मैंने स्टार्ट किए। अगर आपको किसी और की पसंद आता आप उनके भी वीडियोस देख सकते हो, बट मैं तो अपना ही बोलूंगा राइट, तो बट आप किसी का भी देख सकते हो ठीक है। अब अगेन हमारा ये जो थर्ड स्टेप था इसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहले कोड मैनेजमेंट, यू नो मतलब स्टेप बाय स्टेप तो हमें जाना है लेकिन वो जो स्टेप बाय स्टेप आप जा रहे हो उसको आपको मेंटेन रखना जरूरी है। बोलते हैं ना डू नॉट रिपीट योरसेल्फ, मतलब सेम पीस ऑफ कोड अगर आपको लग रहा है कि बार बार ये चीज यूज हो रहा है उसको आप सोचो मैं कैसे मेंटेन कर सकता हूँ। क्या करोगे, हम फंक्शंस बनाते हैं राइट, फंक्शंस लाइक हम बोलते भी रीयूजेबल ब्लॉक ऑफ कोड, तो फंक्शन बना दो उसका, है ना, बार बार कोड लिखने से अच्छा फंक्शन बना दो, डायरेक्ट उस फंक्शन को कॉल कर दो, खत्म। तो कोड मैनेजमेंट करना जरूरी। सेकेंड एरर हैंडलिंग, जस्ट चेक कीजिए जब आप काम कर रहे हो तो एरर मैनेजमेंट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ट्राई कैच ब्लॉक के अंदर लिखिए, है ना, मतलब प्रोमिसेस देखिए बराबर हो रहा है या नहीं, मतलब एरर हैंडलिंग मतलब ये नहीं कि खाली कोड प्रॉपर चल रहा है या नहीं, एरर हैंडलिंग का मतलब ये भी है कि किस तरीके से मल्टीपल टेस्ट होते हैं ना, आपने सुना होगा एक बार प्रोजेक्ट बन गया तो फिर मल्टीपल टेस्ट होते हैं उसके, तो वो भी थोड़ा बहुत आप चेक कर सकते हो, वो भी इसी फेज के अंदर आता है, वो आपको यहाँ पे सीखने मिलेगा। थर्ड जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं ये चाहता हूँ कि वंस जब आप प्रोजेक्ट बना लेते हो वापस आप लाइक नेक्स्ट डे, है ना, वापस आप उस प्रोजेक्ट पे आइए एंड सोचिए कि चलो यहाँ पे तो मैंने 200 लाइन का कोड लिख दिया, कुछ तरीके है क्या जिसको मैं इसको लाइक 160 170 या कुछ लाइन सब कोड में कम कर सकता हूँ। तो गाइस अगर वो आप लाइक सीखोगे ना, लाइक उसको करना आप जब आ जाएगा आपको उस तरीके से, तब आपको और मजा आएगा। क्यों? क्योंकि ये हम ऑलरेडी प्रैक्टिस कर चुके। पार्ट टू जो था कि प्रैक्टिसिंग सेम प्रोग्रामिंग क्वेश्चन को हम दो तीन तरीके से जब सॉल्व करना सीख गए तो उसी तरीके से प्रोजेक्ट को क्यों हम छोड़ दें? प्रोजेक्ट को भी तो हम देखेंगे ना कि भाई चलो ये तो मैंने कर दिया लेकिन क्या इसको मैं और कम कोड में कर सकता हूँ, समझ रहे हो? तब ये जो पॉइंट ऐसा है कि आप सोचिए एंड यहाँ पे आप ऑनलाइन हेल्प ले सकते हो, चैट जीपीटी से पूछ सकते हो कि इस प्रॉब्लम को क्या मैं और दूसरे तरीके से कर सकता हूँ। पूरा सॉल्यूशन लेने की नीड नहीं बट आप आइडिया ले सकते हो, तब वो बताएगा हाँ इसके बदले आप ये वाला मेथड अगर यूज करते तो और कम हो जाता ये। तो जो थर्ड स्टेप है प्रोजेक्ट्स को स्टेप बाय स्टेप बिल्ड करना, ये आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड यू नीड टू प्रैक्टिस, प्रैक्टिस इज व्हाट मेक्स मैन्स वुमेन जो भी है सबको एकदम परफेक्ट, समझ रहे हो? तो प्रैक्टिस इज द की। जो ये आपका ये जो बेसिकली प्रैक्टिस तो आपको तीनों स्टेप में हो गया बट यहाँ पे आपको और एकदम क्लियर होने वाला। सो ये जो थर्ड पार्ट है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है लॉजिक बिल्डिंग के लिए, ठीक है। एंड एक बार आपने प्रोजेक्ट बना लिया तो गाइस आप ये वीडियो देखने की नीड ही नहीं, आप समझ जाओगे अच्छा यार इस तरीके से होता है, वन स्टेप एट अ टाइम, बस खत्म। नाउ एक प्रोजेक्ट आपने बना लिया, उसके बाद गाइस आपको और डिफरेंट मल्टीपल प्रोजेक्ट्स बनाने हैं, लेकिन ये ध्यान में रखिए कि डिफरेंट फील्ड्स के वो प्रोजेक्ट, है ना, जैसे ई कॉमर्स हो गया उसमें मोस्टली आप देखोगे तो लाइक एरे वगैरह पूरा ये ऐसा वैसा आ रहा, तो आप दूसरा प्रोजेक्ट देख सकते हो लाइक कि ये जैसे ये स्ट्रीमिंग टीवी स्ट्रीमिंग सर्विसेज हो गए, नेटफ्लिक्स या यूट्यूब का क्लोन आप बना सकते हो, सोशल नेटवर्किंग साइट्स आप बना सकते हो, फेसबुक इंस्टाग्राम। तो आप डिफरेंट डिफरेंट फील्ड के जब प्रोजेक्ट्स क्रिएट करोगे तो आपको आइडिया आएगा कि डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स या प्रॉपर्टीज जो भी है हमने अभी तक जो पढ़ा उसको कैसे हम एक साथ यूज में ला सकते हैं। तो आपको डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट्स बनाते जाना, अपने आपको रोकना नहीं है, एवरी डे यू नीड टू कीप प्रैक्टिसिंग, सिंपल, ठीक है। तो ये था गाइस आपका थर्ड स्टेप। एंड नाउ गाइस वी हैव अ फोर्थ स्टेप जहां पे यू नीड टू बिल्ड योर कॉन्फिडेंस एंड नेटवर्क। जी हाँ गाइस, एंड बिलीव मी कॉन्फिडेंस सच में बहुत ही ज्यादा मैटर करता है। अगर आपको नहीं भी आता हो बट आप एकदम सीना तान के ना अगर जाओगे इंटरव्यू में, भाई इंटरव्यू डर जाएगा, अरे बाप रे खतरा आ गया ये तो, समझ रहे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो आपको लाइक सब कुछ आता बट फिर भी आप नर्वस हो तो कहीं ना कहीं वो नर्वस आपको खा जाएगा वहां पे। तो कॉन्फिडेंस बनिए, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना, एटलीस्ट इतना कॉन्फिडेंस कि कुछ भी हो आप बोल सको, नहीं आता तो मुझे नहीं आता, आता है तो उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर सको, इतना कॉन्फिडेंस होना जरूरी है, ठीक है। एंड वो कॉन्फिडेंस रहेगा तो आपको भी अंदर से बहुत अच्छी फीलिंग आएगी। एंड वही फोर्थ पार्ट में सेकंड जो मैंने कहा नेटवर्क,
गाइस अब आप ऑनलाइन जावास्क्रिप्ट की कम्युनिटी को फाइंड आउट कर सकते हो, चेकआउट कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो, डिस्कॉर्ड सर्वर, इवन मेरा भी खुद का डिस्कॉर्ड सर्वर आप उसको ज्वाइन कर सकते हो, रेडिट के पेजेस को आप फॉलो कर सकते हो, ऐसे ऑनलाइन रिसोर्सेस बहुत सारे यार, मतलब मजा आ जाएगा आपको। एंड ट्विटर भी बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, क्योंकि ट्विटर एक ऐसा पार्ट है जहां पे गाइस जितने भी लाइक डेवलपर्स है वो वहां पे ऑलरेडी है, वो वहां पे पहले ही अपना लाइक चीजें रख देते हैं वहां पे, तो आप ट्विटर पे फॉलो कर सकते हो। एंड ECMAScript हो गया, जावास्क्रिप्ट का अपना खुद का ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन, वो सारी चीजों को आप रेगुलरली चेकआउट करते रह सकते हो। तो अगर आप इस तरीके से ऑनलाइन कम्युनिटी ज्वाइन करते हो एंड आप अगर उनसे बातें करना स्टार्ट करते हो ना, तो गाइस आपको भी अच्छा फील होगा लाइक, क्योंकि वो सभी लोग भी तो जावास्क्रिप्ट रिलेटेड ही बातें कर रहे होंगे ना, तो अब आप वहां पे भी किसी ने अगर कुछ क्वेश्चन पूछ दिया तो आप उनका आंसर दे सकते हो, चाहे तो आप अपना क्वेश्चन वहां पे पूछ सकते हो। तो अगर आप इस कम्युनिटी के साथ जुड़ जाओगे तो आपको भी अच्छा फील होगा एंड आपको भी पता चलेगा क्या हो रहा है इंडस्ट्री में। एंड गाइस सबसे लास्ट पार्ट है यू नो, एंड दैट इज स्टे अप टू डेट, खत्म, लास्ट पार्ट यही है कि आपको अप टू डेट रहना जरूरी है, क्योंकि आप लेट से जावास्क्रिप्ट आपने सीख लिया, प्रोजेक्ट पे प्रोजेक्ट करते जा रहे हो, लेकिन आपको मालूम है आज के समय ये वेब डेवलपमेंट स्पेशली ये जो फ्रंट एंड डेवलपमेंट है, ये तो ना जाने क्या हो गया कि एवरीडे कुछ चेंज हो गया यार, कुछ ना कुछ चेंज हो रहा है। नेक्स्ट जेस आया पूरा 13 एंड देन जो 14 वाले ने नेक्स्ट जेस को हिला दिया, अभी जो रिएक्ट आ रहा 19 उन्होंने कह दिया है कि अब ये जो हुक से वो काम नहीं आएगा, ऐसा नहीं होगा, वैसा नहीं होगा, समझ रहे हो। तो आपको अपने आप को अपडेट रखना है एंड इस तरीके से अपडेट रखना है कि भाई कल के दिन अगर कुछ चेंज भी हो जाए ना, आपको टेंशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपका बेसिक्स तो क्लियर है, आपको मालूम है ठीक है पहले मैं ये यूज कर रहा था, अब ये इसके बदले ये हो गया, तो एक बार इसको मैं ट्राई कर लेता हूँ। एंड वो अप टू डेट रहने के लिए अगेन क्या है गाइस, जो मैंने फोर्थ स्टेप में आपको बताया था नेटवर्किंग वाला, कि डिफरेंट डिफरेंट जो फोरम है आप उनके साथ कनेक्टेड रहिए, उनसे बातें करते रहिए, वो शेयर करेंगे, इवन ट्विटर में सबसे पहले न्यूज आ जाती है, बहुत सारी जगह ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन ECMAScript का, जावास्क्रिप्ट का, वहां पे आप चेकआउट कर सकते हो, कैन आई यूज या समथिंग, ऐसी कुछ है जिसपे आप वो मेथड्स को चेक कर सकते हो कि क्या वो इस समय अभी अवेलेबल है या नहीं, लाइक मतलब क्या कह सकते हो, लाइक डिफरेंट जो ब्राउजर से वो सपोर्ट्स करता है नहीं, तो बहुत सारे ऐसे ऑनलाइन रिसोर्सेस है जो आज के टाइम में गाइस आपको मिल जाएगा। इट जस्ट यू नीड टू कीप प्रैक्टिसिंग नो मैटर व्हाट, आपको प्रैक्टिस करते रहना है एंड किसी भी चीज को अगर आप सॉल्व करने जाते हो तो उसको देख के घबराना नहीं है, डरना नहीं है, आपको कॉन्फिडेंट होके एकदम ठीक है स्टेप बाय स्टेप मैं चलता हूँ, जहां पे अगर अटकूंगा तो मैं हेल्प मांगूंगा, चाहे वो ऑनलाइन हो या दोस्तों का हेल्प हो, क्योंकि हेल्प मांगना बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड इतना अगर आप करते हो ना गाइस, बिलीव मी आपका जो लॉजिक वो जरूर बिल्ड होगा। अब मुझे एक चीज बताओ, मैंने जो भी ये चीजें बताया कि आपको ये नहीं मालूम थी, भाई सबको मालूम है ये, लेकिन फिर भी हम ह्यूमन बीइंग का माइंड ऐसा हो चुका है कि हम चाहते कि फिर भी कोई बोल दे यार, एक बार ये बोल दे, एक बार थापा टेक्निकल बोल दे, या एक बार ये फेमस यूट्यूबर बोल दे, अब वो चाहते वो हम बोल देता कि चलो अब ठीक है अब मैं स्टार्ट करता हूँ, मोटिवेशन ठीक है। तो वो गाइस मैं बस इतना चाहता हूँ, नो मैटर व्हाट कीप प्रैक्टिसिंग एंड एट देन इतना कहना चाहूंगा, आप जेन्युइनली अगर जावास्क्रिप्ट सीखना चाहते हो तो मैंने ऑलरेडी जावास्क्रिप्ट पार्ट वन, पार्ट टू एंड मेगा प्रोजेक्ट जो ई-कॉमर्स ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, वो देखोगे ना इट्स मोर देन इनफ आपको लाइक एज अ बिगिनर या फ्रेशर जॉब जरूर मिलेगा, लगे तो आप खुद ही टीचर बन जाना फिर, बट जो भी अगर वो वीडियो आप एक बार देखते हो, प्रैक्टिस करते हो, जो जो मैंने बताया अभी 5 स्टेप वो फॉलो करते, तो गाइस आपकी जो लॉजिक है वो जरूर बिल्ड होगी। एंड ये सिर्फ जावास्क्रिप्ट पे इम्प्लीमेंट नहीं होता, लाइक कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज उठा लो, लाइक ये 5 स्टेप्स आपको करना ही पड़ेगा। एंड सिर्फ प्रोग्रामिंग क्या है, हर जगह यही है ना, दुनिया के कोई भी काम करने जाओ हर जगह यही है, कोई भी फील्ड में करने जाओ पहले उसको सीखो अच्छे से, खत्म, जब तक सीखोगे नहीं तो क्या ही करोगे फिर, ठीक है। तो या गाइस दिस इज इट, तो आपको कैसे लगे 5 स्टेप्स लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड इसके अलावा भी अगर आपको लगता है कि कुछ चीजें हैं जो मैंने मिस कर दी तो आप भी कमेंट सेक्शन में जरूर गाइस कमेंट कर दीजिएगा, ताकि बाकी लोग अगर कमेंट पढ़े तो एटलीस्ट उनकी तो हेल्प हो जाए एंड मैं भी जरूर उसको सीखूंगा एंड पार्ट टू लगे तो मैं बना दूंगा। सो या गाइस दिस इज इट, आज इस वीडियो क्लिप में होप आपका जो डाउट था वो क्लियर हुआ होगा एंड जो ये वीडियो का मेन मकसद था लॉजिक बिल्डिंग, वो एटलीस्ट अब आपको पता चल गया आप कैसे बिल्ड कर सकते हो, राइट। सो गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ भर के शेयर कर दीजिएगा एंड अभी तक मेरे ऑसम चैनल था पर टेक्निकल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर दीजिएगा। मिलता हूं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गाइस थैंक यू सो मच, टेक केयर।